गुजारिश करता हूँ अब, हाँ संजीदगी की तरफ से अब जो है वो थोड़ा सा माहौल को जो है वो बदल दिया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी महफिल में मौजूद हैं एक बहुत ही अजीम व शान शायर जो अपने बधाई कलाम के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो आप आपकी जो वो डिज़ाइन हैं जो आप प्रमोट करते हैं अपने तरीके से उर्दू के शेरों को और शायरी को, तो मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ उस चीज़ से। मैं आपको दावत कलाम देना चाहता हूँ कि आप आएँ और अपना कलाम नवाजें, कलाम से नवाजें हमें जनाब यूसुफ यलगार साहब, तशरीफ लाएँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी तक आप इन रंग बिरंगी फूलों से की खुशबुओं से मुअत्तर हो रहे थे, रंग बिरंगी फूलों की खुशबुओं से मुअत्तर हो रहे थे, अब इस धतूरे को भी बर्दाश्त किए। चार मिसरों से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करूँगा हज़रात, कि रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया। वाह वाह वाह, रोकर चला गया कोई गाकर चला गया, महफिल में कोई रंग जमा कर चला गया, लेकिन ये बात सच है जो कहता नहीं कोई, हरेक अपनी खुजली मिटा कर चला गया, हरेक अपनी खुजली। भाई मुझसे उर्दू में ज्यादा बात मत करो, भाई ने कहा मैं हज़ल के शेर कहता तो नहीं हूँ लेकिन मुझे याद बहुत सारे हैं। तो खैर, भाई अन्नू शाह ने कहा कि मैं उर्दू से नहीं पढ़ाऊँ, हिंदी से पढ़ाऊँ। आपको पता तो मैं ना उर्दू से पढ़ाऊँ ना हिंदी से पढ़ाऊँ, मैं मराठी से पढ़ाऊँ। क्या बात है, और मुझे शौक़ है, बाकी मेरा कोई उस्ताद वगैरह नहीं है, ऐसी तुकबंदियाँ कर लेता हूँ। अरे आप खुद उस्ताद हैं माशाल्लाह, आपको उस्ताद की क्या ज़रूरत है। बस ऐसी कोशिश करता हूँ मैं। तो गैर होकर भी उर्दू बोलता है, फजा में जैसे खुशबू घुलता है। वाह, चार मिसरे समाज। गैर होकर भी उर्दू बोलता है, फजा में जैसे खुशबू घुलता है, करूँ तारीफ क्या मैं और उसकी, वो 17 को 71 बोलता है। करूँ तारीफ क्या मैं और उसकी, वो 17 को 71 बोलता है। और ये भी चार मिसरे कि जब से चढ़ा है शेख जी पे शायरी का भूत, इस्लाम की रविश से बढ़ते चले गए। जब से चढ़ा है शेख जी पे शायरी का भूत, इस्लाम की रविश से वो हटते चले गए। अरे मरने से पहले कलमा तैयब न पढ़ सके, मफूल फाइलात ही रटते चले गए। बहुत अच्छा है, मफूल फाइलात ही रटते चले गए। और क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा, अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे। क्या मिला है शायरी में वाहवाही के सिवा, अब तो गर्दिश में सितारे और भी आने लगे। और चंद गज़लों और नज़मों के फटे कुछ कागजात मार कर पाकिट मेरी खुद चोर पछताने लगे। वाह वाह वाह, मार कर पाकिट मेरी खुद चोर पछताने लगे। और शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा आली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। बहुत अच्छा, मरकत या ना दरगाह। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा आली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। शायरी में कुछ तो अपना मर्तबा आली करो, या किसी मरकत पे जाकर आप कव्वाली करो। और तंग आकर मुझसे एक दिन मेरी बेगम ने कहा, मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो। बहुत अच्छा, मेहर का पैसा निकालो और घर खाली करो। भाई घर अगर बेगम के नाम कर दोगे ना तो हर बेगम यही कहती है, लेकिन घर भी तो किराए का है। देखिए मैं कह ही रहा था कि आपको उस्ताद की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह आप फारिकुल इस्लाम हैं, बल्कि फारिकुल तनकीद भी हैं। तो साहब ये हमारी कौमी यकजहती का एक छोटा मोटा, उससे पहले मैं ये सुना दूं कि ये रिवायत नाम है जी, एक शायर है जो माँ माँ हर गजल में माँ माँ कहते हैं, तो ये रिवायत पे से याद आया, बेजा रिवायतों को पसे पुश्त डालकर, बेजा रिवायतों को पसे पुश्त डालकर जिद्दत का फार्मूला हवा में उछाल ले। बेजा रिवायतों को पसे पुश्त डालकर जिद्दत का फार्मूला हवा में उछाल दे। अरे अम्मा पे शेर कह के तो घायल गजल हुई,
अब बाप पे भी कह के जनाजा निकाल ले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सुभाई, वाह 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 वाह। अब बाप पे भी कह के जनाजा निकाल दे। और ये मैंने कहा कि ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, इसमें छोटा मोटा अपना जो भी, ये चार मिसरे कल भी सुनाए थे मैं कि हिंदू किसी इमाम के आगे नहीं झुकता, मोमिन कभी भी राम के आगे नहीं झुकता। चाय वाले पे मैं भी कह रहा हूँ, अरे साहब आप कि मेरे बेटे ने तंग आके कहा, जायजा जिस्त का लिया तुमने, मेरे बेटे ने तंग आके कहा, जायजा जिस्त का लिया तुमने, अरे चाय वाला भी बन गया पीएम, अब्बा पढ़ लिख के क्या किया तुमने, अब्बा पढ़ लिख के क्या किया तुमने। और साहब ये चार मिसरे थोड़ा दखनी ले जाए, एक हैदराबादी, थोड़ा हमारा महाराष्ट्र में एक नांदेड़ एक ऐसा शहर है, थोड़ा वहाँ का लहजा थोड़ा हैदराबाद से मिलता जुलता है, और मैं वहीं गाँव हूँ, तो एक थोड़ा दखनी लहजे में समात फरमाइए कि बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, पिचके हुए गाला को इतना सजाते क्या, बुढ़िया का मेकअप देख को बोले बड़े मियाँ, पिचके हुए गाला को इतना सजाते क्या, बेलन उठा को हाथ में बोली ये जी हुजूर, घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या। बहुत अच्छे, घर हो गया घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते क्या। और ये भी चार मिसरे साहब के, हाँ, घर हो गया पुराना तो रंग नहीं लगाते, इस ज़ईफ़ी में हसीना नको भाई, हाँ सर अजमेरी साहब, इस ज़ईफ़ी में हसीना नको भाई। आपने नहीं पहले ये बताइए उनको नजर तो नहीं कर रहे आप ये? नहीं भाई मैं तीसरी लाना नहीं चाहता हूँ, डबल है ऑलरेडी। इस ज़ईफ़ी में हसीना नको भाई और उस पे चौड़ा सीना नको भाई, कट गई यूं ही जवानी और अब कम बखदिया कैटरीना नको भाई। बहुत अच्छे, कम बखदिया कैटरीना नको भाई। और ये चार में से एक दो तीन ही किया, चारों मीनारा की कसम, मांग तेरी मैं सितारों से सजा दूंगा सनम, एक दो तीन ही किया, चारों मीनारा की कसम, मांग तेरी मैं सितारों से सजा दूंगा सनम, बोली कैकू अजी उल्लू यूं बना रही हम ना, मुंह में मट्टी बड़ो कुछ तो रखो दाढ़ी का भरम, कुछ तो, हाँ आप भी कह रहे हो दाढ़ी रख के ऐसे कैसे शेर पढ़ रहा, मैं आपसे कहूँगा सर पे सूरज क्या चढ़ नहीं सकता, बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता, सर पे सूरज क्या चढ़ नहीं सकता, बेटा अब्बा से बढ़ नहीं सकता, आप गुंडों की बात करते हो, अरे मौलवी क्या बिगड़ नहीं सकता, मौलवी क्या बिगड़, साहब मौलवी ज्यादा बिगड़े हुए हैं आज के जमाने में। मौलवी पहले मस्जिदों में होते थे, मदरसों में होते थे, आज तक आजकल मुशायरों में भी आ गए। तो साहब इसी पे से चार ये मौलवी बिगड़े, बदल लफंगा गिरी में जवानी गुजारी, ज़ईफ़ी में होश अब ठिकाने लगे हैं, लफंगा गिरी में जवानी गुजारी, ज़ईफ़ी में होश अब ठिकाने लगे हैं, और बड़ी भी हुई जब से अल्लाह को प्यारी, बुढ़ाओ तब से मस्जिद में जाने लगे हैं। बहुत अच्छे, वाह, बुढ़ाओ तब से मस्जिद में जाने लगे हैं। और ये भी चार मिसरे साहब, ये मैं आखिरी पढ़ लेता हूँ चार मिसरे। अच्छा उर्दू की, उर्दू की रोटी खा के जिए जा रहा हूँ मैं, ये मुझे शायर किताब दी दिए भाई ने, मैं नहीं समझता था, उर्दू की रोटी खा कर जिए जा रहा हूँ मैं, दामन था तार तार सिए जा रहा हूँ मैं, उर्दू की रोटी खा कर जिए जा रहा हूँ मैं, दामन था तार तार सिए जा रहा हूँ मैं, और बाजौक सामही का मुहाफिज है बस खुदा, तुकबंदियों पे दाद लिए जा रहा हूँ। बहुत अच्छे, क्या क्या तुकबंदियों पे दाद लिए जा रहा हूँ मैं, ये सच है। और ये आखिरी चार मिसरे मैं पढ़ लेता हूँ कि ये बम्बई शहर इंडस्ट्रियल शहर, यहाँ यूपी बिहार एमपी कर्नाटक न जाने कहाँ कहाँ से लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपना सब कुछ गांव में छोड़ के बिल्कुल मेरी तरह आए हुए हैं। चार मिसरे समात फरमाइए कि मेरी महबूबा ने मुझको फ़ोन करके ये कहा, अरे मेरे हमदम बताओ कब तलक आ पाएंगे, मेरी महबूबा ने मुझको फ़ोन करके ये कहा, अरे मेरे हमदम बताओ कब तलक आ पाएंगे, और फिर बोली कि तुमने देर की तो सोच लो, आपका ये सब्र का फल दूसरे खा जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे यूसुफ यलगार साहब, जिन्होंने आपको हंसाया, गुदगुदाया। कुल मिला के कॉन्क्लूजन ये कि जो उनका काम था वो उन्होंने किया और बड़ी खूबसूरती के साथ किया। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ।